नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है व्रत कथा एवं स्त्रोत में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका पैसा बहुत दिनों से कहीं फंसा हुआ है, जो आपको मिलने में बहुत कठिनाई हो रही है, ऐसे ही कुछ आसान से उपायों की। दोस्तों, दूसरों की मदद करना, ज़रूरत पड़ने पर पैसे उधार देना अच्छी बात है, लेकिन कई बार ऐसी दरियादिली अपना ही नुकसान करा देती है। ऐसे में पैसा होने के बाद भी लोग तंगी झेलते हैं। इसके अलावा कई बार अन्य कारणों से भी कहीं पैसा फंस जाता है, तो कुछ ऐसे कारगर उपाय बताऊंगी आज मैं आपको, जो आपके सालों से फंसे धन को भी आसानी से आपके पास पहुंचा देंगे। कई बार समझदारी से किया गया निवेश या भरोसेमंद व्यक्ति को दिया गया पैसा भी वापस आने में पसीने छूट जाते हैं। दोस्तों, यदि आपका पैसा भी कहीं फंसा हुआ है तो ये उपाय आपको खूब मदद देंगे। ये उपाय करते ही कुछ ही समय में आपको फंसा हुआ या अटका हुआ पैसा आपको वापस मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं उपायों की। इसमें नंबर वन आता है, यदि पैसा कहीं अटका हुआ या फंसा हुआ है तो शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं, तेल में सरसों के दाने भी डालें, हो सके तो थोड़ा सा कपूर भी दीपक के तेल में डाल लें। इसके साथ साथ बजरंग बाण का पाठ करें। आखिर में हनुमान जी से प्रार्थना करें कि वो आपका फंसा हुआ पैसा वापस दिला दें। दोस्तों, इसमें नंबर टू आता है उपाय, फंसे हुए अटके हुए पैसे को पाने का एक तरीका और भी है दोस्तों, कि रात में 10 बजे के बाद किसी चौराहे पर साबुत नमक की 11 डलियां और 11 लौंग को एक नीले कपड़े में बांधकर फेंक दें। पोटली फेंकते समय उस व्यक्ति के बारे में सोचें जिसके पास आपका पैसा फंसा हुआ है। यह उपाय लोगों की नज़र से बचकर करें। दोस्तों, फंसा हुआ पैसा पाने के लिए शुक्रवार का एक बेहद कारगर उपाय है दोस्तों ये। इसके लिए आप कपूर का काजल बनाएं और भोजपत्र पर उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसके पास आपका पैसा फंसा हुआ है। इसके बाद उस भोजपत्र को अपने तिजोरी या पैसे रखने की जगह पर रख लें। कुछ ही समय में आपका पैसा वापस मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में गुरु और शुक्र ग्रह मजबूत रहे हों तो व्यक्ति की आय ज़्यादा होती है दोस्तों, और उसका खर्च पर कंट्रोल भी रहता है। ऐसे लोग करियर में खूब तरक्की तो पाते हैं, जमकर पैसा कमाते हैं, वहीं इन दोनों ग्रहों का कमज़ोर होना व्यक्ति की आय भी घटाता है दोस्तों, और उसका पैसा बार बार कहीं फंस जाता है। ऐसे लोग निवेश भी करें तो इनका पैसा फंसने की आशंका रहती है। ऐसे में जातकों को गुरु और शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने के उपाय करने चाहिए। इसके साथ ही साथ भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के भी उपाय करने चाहिए। दोस्तों, ये थे कुछ आसान से उपाय जिन्हें मैंने आपको इस वीडियो में बताया हो। आशा करती हूँ ये उपाय आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।